एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले थ्योरम देखते हैं। बीपीटी एंड थैलस थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए अप्लाई होता है। थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्ट्रिक्ट पॉइंट देन द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, गिवन क्या है, ए ट्रायंगल इन विच जो डी ई पैरेलल बी सी है एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एंड पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टली दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बी ई को एंड सी डी को। ठीक है, ड्रॉ करेंगे जो ई एल है परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पर एंड डी एम लाइन जो है लाइन ए सी पर परपेंडिकुलर है। सो अब हम लोग निकालेंगे एरिया मतलब ट्रेंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई के लिए। ठीक है, इसका भी हो जाएगा 1/2 डी बी इंटू ई एल। ओके, डी बी इंटू ई एल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई ओके अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए डी इंटू ई एल। ठीक है, इसका यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बी डी बी इंटू ई एल। ओके, तो ई एल से ई एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। ओके, अगेन हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी के लिए। अब हम लोग ए ई डी के लिए निकालेंगे, इसका भी हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू डी एम। ओके, डी एम इस लाइन पे परपेंडिकुलर है इसलिए इस पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड का निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी डी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2 ई सी इंटू डी एम। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी डी। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया और ये हम लोगों ने फाइंड किया था, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग लिखेंगे नाउ ट्रेंगल डी बी ई एंड ट्रेंगल ई सी डी being on the same base
सेम बेस, ठीक है, डी, ओके, एंड बिटवीन, सॉरी बिटवीन द सेम पैरेलल डी, ठीक है, एंड बी सी, बी सी, सो होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी डी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, ठीक है, थर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा प्रूव हो गया, इथेलस थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम हमारा, इन ए ट्रेंगल ए बी सी अ लाइन डी ई पैरेलल बी सी इंटरसेक्ट ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, देन प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी एंड ए अपॉन ए सी। तो इसका भी ट्रेंगल सेम ही बनेगा, ए बी सी एंड डी एंड ई, ओके। तो इसमें हमें फर्स्ट थैलस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम बी पी टी या थैल्स थ्योरम बोल सकते हैं, थैल्स थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ओके। तो अभी से हम लोग करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे, तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वन प्लस, इसे लिख सकते हैं डी बी अपॉन ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू वन प्लस ई सी, ई सी अपॉन ए, ओके। तब अब लिखेंगे ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, प्लस ई सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो के आ गया ए डी अपॉन ए बी एंड इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ थैलस थ्योरम, ठीक है, थैलस थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ओके। तो गिवन क्या है, गिवन ट्रेंगल ए बी सी एंड ए लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एंड डी एंड ए सी एट ई सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है डी ई पैरेलल बी सी होना चाहिए, ओके। तो अब हम लोग करेंगे, सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट डी ई नॉट बी ए पैरेलल
पैरेलल टू बीसी, ओके। देन जब डीई बीसी के पैरेलल नहीं होगा तब क्या होगा, देन देयर मस्ट बी एनादर लाइन थ्रू डी, ठीक है, डी विच इज पैरेलल टू बी सी, ओके। तो लेट करेंगे डी एफ पैरेलल टू बी सी, ओके। तो बाई यूजिंग थैलेस थ्योरम, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ओके। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट एंड सेकेंड हम लोग सपोज करेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। इसको सेकेंड हम लोग क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इन दोनों में वन ऐड करेंगे, एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए ई प्लस ई सी, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन एफ सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी ए सी अपॉन ई सी लिखेंगे। ये दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एफ सी अपॉन ई सी, ठीक है। मीन्स जो एफ सी है ई सी के इक्वल में होगा, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी, ओके। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एट ये हमारा एक्सरसाइज 7.1, ओके। इन ट्रायंगल ए बी सी इट्स इज गिवन दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। इफ ट्रेंगल बी इज इक्वल टू 70 degree एंड सॉरी एंगल है एंगल बी इज इक्वल टू 70 degree एंड एंगल सी इज इक्वल टू 50 degree, देन फाइंड एंगल बी ए डी, ओके। अभी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका फिगर कुछ इस टाइप का है, ये ए बी सी एंड ये डी पॉइंट है, ओके। सो अब हमारे पास ये एंगल कितना दिया है, एंगल बी 70 degree एंड एंगल सी 50 degree, ओके।
इसमें गिवन क्या है, गिवन ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये इक्वल दिया है। तो यहाँ पे होगा इन इन यहाँ पे होगा इन ए कंडीशन कंडीशन फॉर एंगल बाइसेप, सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, जो एंगल बी ए डी हमें निकालना है वो हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ठीक है। मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं ट्रेंगल के तीनों साइड को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है हमारा 180, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सॉरी 180 माइनस एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई थी 17 माइनस 50, तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारा आ गया 60 आ गया, ओके। तो हमें निकालना है एंगल बी ए डी, तो एंगल बी ए डी हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल ए मीन 60 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रेंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, सो दैट ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड ई सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए बी, ओके। तो इसका फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे डी ये ए बी सी, ठीक है, सिमिलर। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग का दिया हुआ है इन ट्रेंगल ए बी सी में डी ई हमारा पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो बाय यूजिंग बी पी टी थ्योरम, ठीक है, तो हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डी बी इज इक्वल टू ए डी इंटू ई सी अपॉन ए ई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2.4 इंटू 4.8 अपॉन 3.2, जब इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे 3.6, ठीक है। देन हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है ए डी प्लस डी बी, ठीक है, मीन्स 2.4 प्लस 3.6, इसे ऐड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रेंगल इफ डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी कटिंग ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टली सच दैट ए बी इज इक्वल टू 7.2, ठीक है, ये पूरी लाइन दी हुई है 7.2 एंड ए सी इज इक्वल टू 6.4, ओके, एंड ए डी इज इक्वल टू ये हमारा दिया है 4.5, देन फाइंड ए ई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे
इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। तो बाय यूजिंग बी पी टी थ्योरम, ठीक है, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी होता है, ठीक है। अब हम लोग उसका बी पी टी का एक और फार्मूला कॉरोलरी में इसका हम लोगों ने ये यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया था ए डी अपॉन ए बी एंड ए अपॉन ए सी, इसे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5 इसकी वैल्यू अपॉन 7.2 इंटू ए अपॉन 6.4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4.5 इंटू 6.4 अपॉन 7.2, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये पहले कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4.5 इंटू 64 अपॉन 72, ठीक है। अब इसे कट करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 36, इस सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 0.5, ठीक है, इंटू 8। इससे पूरा कट करते हैं, पहले ये 16 आएगा, ये आ जाएगा 18, तो ये इसको कट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, 9 से इसको कट करेंगे 0.5, ओके। तो 0.5 इंटू 8 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 4.0 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।